हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार कंफर्म करिए क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। और इसके अलावा हम एक चीज़ बताएंगे कि देखिए, आपकी जो ये शाम को डेली 7 बजे क्लास होती है, इस क्लास को मत छोड़िएगा, ठीक है। जितनी भी क्लासें हम करवाते जा रहे हैं, इनका रिविज़न तो आपको करना ही करना है और इन क्लासों को बिल्कुल रेगुलर लेना है, ठीक है। लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लिया करिए, क्योंकि क्लास जो है यूट्यूब पर पड़ी रहती है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दी है आपकी सहूलियत के लिए, और 8000 क्वेश्चंस की सीरीज तो चल ही रही है आपकी, है ना। और ये जो टॉपिक चल रहा है संपूर्ण कलाकार, इसका हमने साइड में प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, हम आ गए हैं क्लास को रंगीन बनाने, शाबाश। चलिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। बताएंगे सभी लोग, क्या हमारी आवाज क्लियर आ रही है, सभी लोग बताएंगे। और प्लेलिस्ट हमने बना दी है ना, सभी लोग बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोग देख लीजिएगा, हमने नंबरिंग भी कर दी है, ठीक है, उसमें आप लोग आराम से देख लीजिएगा। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। टाइम से आ जाया करिए आप लोग, ठीक है। टाइम से नहीं आते हैं, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अरे क्या हो गया, इसके पहले हमने आपको 150 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना। आज हमें 151 से स्टार्ट करने हैं। चलिए बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है आपसे आधुनिक क्लास सही नहीं चल रही है, चल तो रही है सही भाई। चलिए, हाँ, कोई लेट नहीं हुआ है। चलिए आंसर पर फोकस करिए, 151 क्वेश्चन आपके स्क्रीन, चलिए 151 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, क्या होगा। आधुनिक चित्रकार सबसे अधिक किसको महत्व देते हैं, अमूर्त, मूर्त, दृश्य चित्रण, वास्तु चित्रण, बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग करेंगे 151, सभी लोग करेंगे, शाबाश, बिल्कुल सही है, ये है आपका अमूर्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है आपसे राजा रवि वर्मा को किस ब्रिटानी कलाकार ने शिक्षा दी थी, थियोडोर जेनसन, ईवी हैवल, बताइए क्या होगा, इन्हीं दोनों में बता दीजिए आप लोग। राजा रवि वर्मा को किस ब्रिटानी कलाकार ने शिक्षा दी थी, बताइए जल्दी से, फटाफट से, 152, वेरी गुड, शाबाश, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, थियोडोर जेनसन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजा रवि वर्मा का चित्र वीड़ा वादनी को किस माध्यम में बनाया गया है, जल रंग में, तेल रंग में, टेम्परा में, मिक्स मीडिया, बताइए। हाँ, सभी लोग करेंगे, कौन सा, 153, हाँ सभी लोग बताइए, शाबाश, वेरी गुड। देखिए ये सीक्वेंस जो बना हुआ है ना, ABCD के हिसाब से ही दीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका ये बना हुआ है, इसको काट दीजिए बिल्कुल से, इस पर फोकस नहीं करना है, बाकी जो ये आपके ऐसे ABCD में दिए हुए हैं ना, इस तरह से आपको आंसर करना है। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ये है आपका ऑप्शन बी, तेली रंग हो जाएगा, ठीक है, हाँ वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए अच्छे से। चित्रकला संसार की वह जीव वस्तु है जिससे हम कभी पृथक नहीं हो सकते, हमारे जीवन के प्रत्येक शुभ अशुभ अवसर पर चित्रकला दृष्टि में आती है, मानव जो कुछ देखता या अनुभव करता है उन्हीं वस्तुओं को वह कागज, दीवार, पत्थर आदि पर रंग व तूलिका द्वारा
चित्रित करता है। चित्रित अवस्था के पश्चात हम उस अनुभव के मूल परिणाम को चित्र और उसके विज्ञान को चित्रकला कहते हैं। जीवन के अनुभवों को निरीक्षण की परिधि में सिमेट कर जो व्यक्ति रंग एवं रेखाओं द्वारा सबके सामने रखता है उसे ही वस्तुतः चित्रकार कहते हैं। ये जो इतना बड़ा मतलब कोटेशन इन्होंने बोल दिया है, इसके कलाकार पूछे गए हैं। ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन है रवींद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ डे, आनंद कुमार स्वामी, मनीषी डे। बताइए क्या होगा, क्या होगा आंसर, करेंगे सभी लोग, बताइए जल्दी से। जिसने शैलेंद्रनाथ डे दिया है उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा जा रहा है आपसे भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, शैलेंद्रनाथ टे, बताइए। हाँ, इस टाइम पर आई फ्लू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आप लोग अच्छे से रहिएगा। मैम आप लाइव हैं, काहे भूत बोल रहा है इतनी। हाँ, 155 बताइए, ऑप्शन डी, ये है शैलेंद्रनाथ डे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि वेंकटप्पा ने लघु चित्रण टेक्निक को अपनाया, वह किस शैली से प्रभावित रही, बताइए। मुगल व ईरानी, राजस्थानी व जापानी, राजस्थानी व मुगल, मुगल व जापानी, बताइए 156 का क्या होगा। सभी करेंगे आंसर एकदम फटाफट से। 56, हाँ बिल्कुल सही दिया है, ये आपका राजस्थानी और मुगल से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है भारतीय अंग्रेज सरकार के द्वारा खान बहादुर का खिताब किसको मिला है, यामिनी राय, गगनेंद्रनाथ, मनीषी डे, एम अब्दुल रहमान चुगताई, बताइए। 57, शाबाश, जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल से रटे होने चाहिए हर किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही मिलने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन डी, चुगताई को मिला है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट है, मुगल शासन में किसके वंशज भवन शिल्पी थे, बताएंगे सभी लोग किसके वंशज थे। रजा के, तैयब मेहता के, बाकी के ऑप्शन भी बताते हैं, अब्दुल रहमान चुगताई के, हुसैन। क्वेश्चन है, मुगल शासन में किसके वंशज भवन शिल्पी थे, रजा के, तैयब मेहता के, और क्या था, चुगताई के, और चौथा ऑप्शन शायद एमएफ हुसैन था, बताइए 158 का क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में जो चुगताई दिया था ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बुझी लव, ये चित्र है, ये किस कलाकार का है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। अब्दुल रहमान चुगताई, हिम्मत शाह, रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल, 159 तो क्या होगा, सभी करेंगे, सभी लोग शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ सभी को पता है चुगताई जी चल रहे हैं, तो यही होंगे आंसर, ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, नेक्स्ट है, चुगताई भारत विभाजन के बाद कहाँ चले गए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंदन, अफगानिस्तान, भारत विभाजन के बाद ये कहाँ जाएंगे, बताइए। आप लोग इतना मटक मटक के कहाँ चल रहे हैं, हाँ स्पीड बढ़ाइए अपनी, कितना धीमा धीमा आप लोग रिप्लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी, पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, विभाजन हुआ है तो पाकिस्तान ही जाएंगे। आगे है, चुगताई ने छापा चित्रण में कौन सी पद्धति अपनाई थी, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, सभी बताएंगे। चुगताई ने छापा चित्रण में कौन सी पद्धति अपनाई थी, एचिंग, वुड कट, लीनो कट, और फिर है एनग्रेविंग, 161 सभी बताएंगे, वेरी गुड, शाबाश। मटक मटक, चलिए तो क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा, ये है
अच्छी, वेरी गुड। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी, बहुत धीमा चलते हैं हम भी ऐसी स्लो। फिर मत कहिएगा मैं क्वेश्चन नहीं हो पाते। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन पर तुम केवल चित्रकार ही नहीं कभी भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तुलिका से रसधारा बहती है। किसने कहा है ये पूछा जा रहा है, रविन्द्रनाथ ने ये कोटेशन जो है ये किसके लिए लिखा है ये पूछा है। तुम केवल चित्रकार ही नहीं कभी भी हो, यही कारण है कि जो तुम्हारी तुलिका है उससे रसधारा बहती है। ये कोटेशन रविन्द्रनाथ ने किसके लिए लिखा है, अवनींद्र के लिए, नंदलाल, असित कुमार, गगनेंद्र। 162 ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्य एवं बंगाल स्कूल के विकास में सहयोगी होने पर भी स्वयं को आधुनिकता में नहीं ढाल पाए, कौन? असित कुमार हल्दार, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं। 163 पे आइए। हाँ, चाचा के लिए। चलिए आंसर करिए फटाफट से। 163। हाँ, बिल्कुल। क्या होगा आंसर इसका, सभी लोग बताएंगे 63 पे फटाफट से करेंगे सभी लोग। अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्य एवं बंगाल स्कूल के विकास में सहयोगी होने पर भी स्वयं को आधुनिकता में कौन नहीं ढाल पाए थे, क्या होगा आंसर? आज आप लोगों की संख्या क्यों कम है, कल क्लास नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि सबके सब गायब हो जाएंगे, सब घूमने चले जाते हैं, एक दिन का गैप कर दो तो सब बिगड़ जाता है इनका। पूछा जा रहा है क्षितिन्द्रनाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है, यह कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, जया अप्पा स्वामी का, मुकुल चंद्र डे। 64 बताएंगे क्या होगा आंसर। वेरी गुड, सभी बताइए 64। बहुत धीमा चलते हैं भाई आप लोग। हाँ, अब सही दिया है ऑप्शन सी, ये जया अप्पा स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कलाकार की अधिकांश उत्कृष्ट मौलिक कृतियां बंगाल के महान संत चैतन्य प्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित हैं? चैतन्य प्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित, रविशंकर रावल की, रामगोपाल विजयवर्गीय की, शारदा चरण उकील की, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। शाबाश, कुछ लोगों की रिप्लाई तुरंत आ जाती है और कुछ तो ऐसे ऐसे हिल हिल के बढ़िया ठुमका लगा लगा के आंसर देते हैं। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। ठीक है, और टाइम से आया करें सभी लोग अपनी। चलिए नेक्स्ट है, संकोची होने के कारण आत्म प्रचार से भी दूर रहे तथा अपनी कला को वादग्रस्त नहीं बनाया, कौन थे ये, एम एफ हुसैन, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। 166 का क्या होगा आंसर, बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट है, शारदा चरण उकील का जन्म स्थान कौन सा है, रंगून है, ढाका है, मुंबई है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, सभी बताएंगे आंसर आप लोग, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और आप लोग भी अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करिए। ठीक है, 167, वेरी गुड, आंसर है आपका ढाका। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है आपसे, शारदा चरण उकील ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कौन से सन में की है, 1926, 25, 30, 21। 168 पे आइए फटाफट से, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि आज क्लास भी चलनी है, सो गए हैं सब। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1926। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है आपसे, फिर से क्वेश्चंस के पिताजी आ गए हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन। चलिए, पूछा है आपसे कि कला के प्राच्य व पाश्चात्य दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर यही है कि यदि कोई यूरोपीय किसी वृक्ष को चित्रित करता है तो वह उसकी यथार्थ रूपरेखा, बाह्य फ्लेवर,
पत्ते, टहनी, शाखा, ताना, जो तना है, ये सभी हूबहू दर्शा देता है। किंतु कोई भारतीय कलाकार उसी वृक्ष को चित्रित करेगा तो वह वृक्ष की स्थूल रूपरेखा तक ही सीमित न रहकर मुड़ी तुड़ी से शाखाओं, पत्ते, जड़, इसके साथ साथ उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो जाएगा। ये विचार किसने दिया है, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन का ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, शारदा चरण उकील, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ, क्या होगा? हाँ, सबके सब खाना बनाने चले गए। क्या होगा 169 का? हाँ, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी शारदा चरण उकील का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बकिंगम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल व कोरोनेशन मेडल से मुकुल चंद्र डे को किस सन में सम्मानित किया गया था? 1927, 1917, 37, 57। 170 पे आइए फटाफट से। क्या होगा? सभी लोग बताइए फटाफट से। आंसर है आपका 1927। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत धीमा चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपनी, नहीं हम भी ऐसे धीमे धीमे चलने लगेंगे। पूछा जा रहा है शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में कौन रहे, सॉरी, मुकुल चंद्र डे जो है ये शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में किस पद पे थे? महासचिव थे, सदस्य थे, कोषाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे? बताइए क्या होगा 171 का? सभी लोग करेंगे 171। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिसने दिया है सदस्य, तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुल चंद्र डे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के प्राचार्य पद से ये कार्य मुक्त कब हुए थे, ये पूछा है। कार्य मुक्त की बात हो रही है 1945, 42, 54, 44, बताइए। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा 172। चलिए, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। क्या होगा आंसर 72 पे आइए, 72 पे फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल सही है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा 1942। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है अध्ययन उपरांत सुधीर रंजन खास्तगीर ने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में लगभग कितने वर्ष शिक्षण कार्य किया? 8 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, बताइए। क्या होगा आंसर 173, सभी लोग करेंगे। आप लोगों की रिप्लाई इतना धीमा सच में आ रही है या फिर हमारे ही पास पहुंच रही है कि आप लोग ऐसे ही हौले हौले बढ़िया टुमका लगाते चल रहे हैं? बताएंगे सभी लोग 173। पूछा जा रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर ने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में कितने वर्ष के ग्वालियर में कितने वर्ष शिक्षण कार्य किया था, बताइए 173 का क्या होगा। हाँ, आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1950, 1956, 1944, 1927, बताएंगे सभी लोग क्या होगा 174, फटाफट से आएंगे। बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, भाई आप लोग क्यों इतना स्लो स्लो चल रहे हैं? ऑप्शन ए 1950। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त। आप लोगों की रिप्लाई हमें तो नहीं दिख रही है, पता नहीं कैसे आप लोग आंसर कर रहे हैं। क्या होगा
क्या हो गया? अच्छा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 50 दिया है, 57 होगा। ठीक है, इसमें 50 हो गया है। चलिए, हाँ, इसको बताइए, 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर को निवृत्त हुए। लोगों की रिप्लाई ही स्लो आ रही है भाई, नेटवर्क की कहीं इशू हो रहा है। ये बताइए जल्दी से कि क्लास सही चल रही है, बिल्कुल क्लियर? क्या क्लास बिल्कुल क्लियर है? आप लोग तो आंसर कर रहे हैं लेकिन हमारे में नहीं आ रहा है भाई। क्लियर नहीं है ना? सब सिस्टम बिगड़ रहा है। आंसर है इसका 1962। नेटवर्क की हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब बताइए अब क्लियर आ रहा है? क्या अब क्लियर है? सभी लोग बताएंगे क्या अब क्लियर क्लास हो रही है? तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम बड़ी। अब हमें बताइए क्या अब क्लियर चल रहा है? अब चल रहा है, ठीक है, आ गया। हाँ, आप सही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बिच्छुड़ी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया है? बताइए, राम गोपाल विजयवर्गीय, नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर, यामिनी राय। आज तो मतलब कि तूफान ही आ गया। चलिए आंसर करिए, अब क्लास सही चल रही है। आंसर करेंगे सभी लोग 176। अब क्लास सही चलेगी, सही चलेगी। आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, हाँ, हम सामने आ गए तो नेटवर्क ने अपना रंग दिखा दिया तूफान लाके। चलिए 77 का क्या होगा, सभी बताएंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ? दौसा, भरतपुर, अजमेर में, बालेर ग्राम में। हाँ, नेटवर्क को केवल हमसे ही प्रॉब्लम था, हम गायब हो गए तो बस सही हो गया। बताइए 76 का कौन सा क्वेश्चन था ये? 77 नंबर का क्या होगा आंसर? 77 बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो डी दिया था ना सबसे लास्ट में, वो ही आपका श्रृंगार। इसको किस धरातल पर बनाया गया? सिल्क, पत्थर, दीवार, कागज। बताइए, अब हम नहीं आएंगे सामने, अब हम सामने नहीं आएंगे, ऐसा ही होने लगेगा, अब आगे से ऐसा ही रहने दिया करेंगे। चलिए आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका कागज में। ठीक है, आगे ऑप्शन डी होगा। इसको पूछा जा रहा है, राम गोपाल विजयवर्गीय का स्वर्गवास हो गया 10 मई 2003, 4 मई 2003, 10 अप्रैल 2003, 18 जनवरी 2002। अब तो सही चल रही है ना? ऑप्शन ये 4 मई 2003। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, राम गोपाल विजयवर्गीय के मेघदूत का चित्रांकन किस पद्धति में किया गया? तेली, टेम्परा, वॉश पद्धति, क्रेयॉन। बताइए 181 का क्या होगा? आज नेटवर्क को नजर लग गई है। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, वॉश टेक्निक हो जाएगा। हाँ ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, टाइम से आए करें। ठीक है,
नंदलाल बोस को शांति निकेतन के कला भवन का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? अब क्लास बिल्कुल रनिंग वे में है, आराम से आंसर दीजिए फटाफट से। 182 का क्या होगा? तभी हम बार बार देख रहे थे कि पता नहीं क्यों आप लोगों की रिप्लाई बहुत धीमी आ रही है। 1922 हो जाएगा, ठीक है। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कौन से सन में बनाई? 1937, 38, 39, 22। बताइए, 50 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे कैसे भी करके। क्या होगा आंसर? 183। ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंदलाल ने वडोदरा के कीर्ति मंदिर कब बनाए? 1939, 22, 65, 40। क्या हो जाएगा? 184। क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 1939, ठीक है। आगे, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? 65, 54, 52, 38। 85, वेरी गुड, ऑप्शन बी 1954, ठीक। नंदलाल बोस को रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1940, 63, 65, 52। जितने भी कलाकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, देख लीजिएगा, अपनी ही क्लास से आने वाले हैं, लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, 100% आएगा। 186 का क्या होगा? कलाकारों से तो नहीं जाएगा बाहर क्वेश्चन, क्योंकि इतने हम करवा देंगे, सभी बताएंगे 186 का क्या होगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी 1963। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कब मिलती है? 50, 22, 39, 40। एग्जाम कब तक होगा अभी कुछ क्लियर नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि गोले में चल रहे हैं आप लोग, कब गोला, ठीक है, कभी भी हो सकता है। चलो आंसर पे आओ, 187। ऑप्शन ए 1950, ठीक है। रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि नंदलाल बोस को कब मिलती है? 65 में, 63 में, 50, 54, कब मिलती है बताइए? 88, 88, सभी बताएंगे। ऑप्शन सी 1950। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्मतः ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थे अमृता शेरगिल, यामिनी राय, गगनेंद्र हुसैन। क्या होगा आंसर 189 का? यामिनी, ठीक है। आगे, यामिनी राय के दृश्य चित्र किससे प्रभावित थे? प्रभाववाद, घनवाद। बस इन्हीं दोनों में बता दीजिए, इन्हीं दोनों में। ऑप्शन ए प्रभाववाद। आगे, जैसे बच्चा हो उसे कहते हैं ऐसी ही मेरी कला है, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता, बच्चे मेरे गुरु हैं, जब मुझे रास्ता नहीं मिलता तब बाल स्वभाव और सहज रुचियों में से मैंने रास्ता पकड़ लिया, सबके भीतर जो असल आत्मा है वह बालक है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, रविंद्रनाथ, कृष्ण खन्ना, यामिनी राय, कृष्ण रेड्डी। बताएंगे सभी लोग क्या होगा, कौन सा नंबर है? 191 का बताइए, सभी करेंगे, वेरी गुड, क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर होगा यामिनी राय। ठीक है, आगे यामिनी राय ने किस सूत्रपात किया है, शिल्पी चक्र, यंग टॉक्स और आज कलाकार समूह का, और जाने क्या लिखा है, ठकमर, इसको हटाइए। बताइए 192 का क्या होगा, ऑप्शन ए शिल्पी चक्र का। ठीक है, आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की, 20, 21, 19, 24। 93 पे आइए, ऑप्शन सी 1919। टैगोर ने शांति निकेतन को भारतीय विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित कब किया, 1921, ये पता नहीं क्या है, 1920, 30, 31। बताइए क्या होगा 94 का, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा 1921। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटेड की उपाधि किसने दी थी, बताइए, मतलब कब दी गई थी, 1910, 1915, 12, 21। 195 पे आइए, ऑप्शन बी 1915। ठीक है, रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने विरघुन, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलिए, हाँ पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल में बनवाया था, जिसका जिसका साहित्यिक अर्थ पूछा जा रहा है, बताइए विभूर क्या होगा, शांति का निवास, शांति का निवास, देवताओं का निवास, अतिथि, अतिथियों का निवास, हाँ ऑप्शन बी शांति का निवास। ठीक, ऑप्शन बी। टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1920 में कहाँ लगती है, पेरिस, जापान, मुंबई, इन्हीं में बताना है, सभी लोग बताएंगे 97, ऑप्शन ए पेरिस में। ठीक है, आगे टैगोर की कला पर प्रभाव कौन से कलाकारों का दिखाई देता है, बताइए, आपके आपके सामने ही हैं सारे, आप लोग फिर धीमे चलने लगे, फिर से नेट की दिक्कत तो नहीं आ, एक तो बहुत डर लगता है, बार बार देखना पड़ता है कि आप लोग चल रहे हैं साथ में कि उड़ गए। चलिए आंसर हो जाएगा पिकासो, डॉली, मुंग, मोदिग्लियानी। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे गगनेन्द्र नाथ के चैतन्य महाप्रभु चरित माला चित्रण में जन्म से देह त्याग तक के चित्र हैं, 51, 1919, 1924। क्लास चल रही है, बंद तो नहीं हो गई, आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं आ रहे, सभी लोग एक बार जल्दी से, एक तो इसके ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए 12। ठीक है, हाँ माउंटेन ड्यू ले लीजिए मैम, दो वोट, हाँ नेट आओ, ये सब बहुत स्लो चल रहा है। पूछा जा रहा है टैगोर ने शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किया, क्या होगा, हाँ ठीक है, चल रहा है, हाँ 194 क्वेश्चन आ गया, एक सेकेंड रुकिए, 95, 99, अच्छा हाँ यहाँ सही है, टाइपिंग गलत है उधर पे ऊपर, ठीक है, ये हो गया आपका 12, लास्ट होगा आपका 200, ये है। पूछा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में गगनेन्द्र नाथ ने किस टेक्निक का प्रयोग किया, ये है 200 क्वेश्चन, अच्छा फस के चल रही है आज, पता नहीं क्या हो गया है, हाँ वॉस
टेक्निक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉस टेक्निक हो जाएगा। चलिए आज का जो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने घनवादी प्रयोग किए कब किए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है और इसके बारे में जितना भी आपको जो भी पता हो वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है, कमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो 201 के बारे में जितना भी आपको जो जो चीज़ें आपको पता होंगी नीचे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ करते हैं क्योंकि आज जो है बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, वैसे क्वेश्चन नहीं छूटे हैं बीच के, है ना, नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आई है तो उसमें क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं, मतलब बफरिंग में कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो तो। बेस्ट क्लास मैम जी, अच्छा मैम के साथ क्लास बहुत अच्छी है, शाबाश। हाँ मैम गर्मी ज्यादा है आज इसलिए नेट भी उड़ गया, हाँ तभी तोड़ गया है नेट। नाइस क्लास मैम जी, हाँ आज नेटवर्क की पता नहीं क्या सर्वर ही डाउन हो गया। सबको बता दीजिएगा शाम को 7 बजे क्लास होती है, ठीक है, कल क्लास नहीं हुई है तो आधे के आधे आधे सब गायब हैं। कल मैराथन हुई थी आर्ट यान की, देखी है कि नहीं देखी है, कल आर्ट यान वाली क्लास हुई थी तो देखी है कि नहीं। अच्छा हमको नोटिफिकेशन मिलता है मैम, चलिए ठीक है। आज घंटी कौन बजाएगा, नेहा जी बजाने वाले तो आज भी नहीं है, हाँ सुहाना जी जाती कहाँ है इतने टाइम, डेली गायब हो रही है 2-3 दिन से। हाँ रात को 9 बजे क्लास होगी, ठीक है, लगे रहिएगा आप लोग, लगा दिया है शेड्यूल, लगा है आप लोग देख लीजिएगा। हाँ नेहा जी हैं, चलिए लगा दीजिए घंटी, क्लास ऑफ की जाए, ठीक है। मैम एग्जाम कब हुआ, एग्जाम को कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आयोग के ऊपर है, आयोग जिस दिन गठित हो जाए उससे मान लीजिएगा 30-40 दिन के अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा और थोड़ा बहुत 50-60 दिन, मतलब 1-2 महीने में करवा लिया जाएगा, फिर बस आयोग का गठन हो जाना चाहिए। चलिए कब होगा आयोग का गठन, हाँ 2 अगस्त को धरना है, अब देखिए क्या होता है, कितने धरने हुए हैं, रिजल्ट 0 ही आया है। हाँ 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, रात को 9 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ना क्योंकि वहां पर रिवीजन चल रहा है। और एक चीज और कि जैसे आपको आपको एक चीज बताते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वैसे आधे लोग तो चले गए हैं, ठीक है, आधे लोग तो वैसे चले गए हैं लेकिन जितने भी उपस्थित हैं उनको एक काम बता रहे हैं हम, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक का नाम बताना है, हम उसको डिटेल में क्लास लेके आएंगे, डिटेल में एकदम फैक्टली क्लास लाएंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए हम अकेले हैं नहीं तो सीएम से यही मिल लेते हैं। अच्छा बताइए जल्दी से, हम जो कह रहे हैं कि टॉपिक जो ये है ना ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताने हैं, ठीक है, जो भी जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि मैम हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक है, हम फिर वहाँ टॉपिक देख लेंगे तो फिर उसी हिसाब से शॉर्ट वे में, ऐसा नहीं कि फालतू घसीटते रहें घंटे 2 घंटे की क्लास करें, फालतू शॉर्ट वे में पढ़ा देंगे आपको, शॉर्ट वे में ऐसा पढ़ाएंगे कि यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट आपको, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि कम टाइम में हम पढ़ाते हैं। चलिए अच्छा समकालीन आर्टिस्ट, ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा तो हम इकट्ठा देख लेंगे तो हमें वहां से अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ चलिए फिर ऑफ करते हैं, चलिए हाँ एक एक करके सभी लोग एक एक टॉपिक का नाम दे दो तो मैम पूरा बहुत चालू टाइप के हैं आपको।
कि आप लोगों से सीखे। चलिए चलिए फिर ऑफ करते हैं क्लास, ठीक है, चलिए।